हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड अधिनय सेवचना की आज की न्यू अपडेट के बारे में। अधिनय सेवचना की तरह ऑफिशियल चले जानते हैं क्या अपडेट है। तो गाइज, आप लोग देखते हैं उत्तराखंड अधिनय सेवचना की तरह यहाँ पर 5 मार्च को एक न्यू अपडेट जारी किया गया है संवाद के द्वारा उत्तराखंड की भर्ती की रिगार्डिंग योग्यता परीक्षा की तरह, जिसमें यहाँ पर आयोग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी के पदों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के संबंध में करा गया है। इसमें जो PRD अधिकारी की जो पोस्ट निकाली गई थी और उन पर यहाँ पर 27/2/2024 से राज्य के प्रत्येक जनपद में आयोजित कराई जा रही है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान में कत्यप जनपदों में जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न हो चुकी है और नियोक्ता विभाग द्वारा यहाँ पर जो है रिक्त पदों की संख्या में आंशिक संशोधन किए जाने की उपरांत सामान्य आरक्षित के पदों की संख्या उपलब्ध कराए जाने पर आयोग द्वारा यथावश्यक संशोधन करते हुए स्वीकृति पत्र आप लोग देखते हो 29 फरवरी को प्रकाशित किया गया था, एक जो करेक्शन करके दिया गया था। और वर्तमान में कथित सामान्य अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा के अनुसार बताया गया है कि संशोधन के फलस्वरूप उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपने प्रतिभाग न किए जाने के कारण वर्तमान में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु तो अनुरोध किया गया है। और इसके लिए कहा गया है कि 2 मार्च से के पूर्व शारीरिक दक्षता परीक्षा में आमंत्रित कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार और यहाँ पर 11/3/2024 तथा यहाँ पर गढ़वाल मंडल के अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप से पोस्ट कॉलेज जो है कब का है 12 तारीख को। तो 11 और 12 तारीख को जिन लोगों ने प्रतिभाग नहीं कर रखा उनको एक अवसर दिया गया है। और इसके लिए प्रतिभाग के लिए इच्छुक अभ्यर्थी के अपने जो अनुरोध है वो आपको ईमेल करना है इसके माध्यम से। ईमेल आईडी दिए गए हैं यहाँ से। आप 11 तारीख को 12 तारीख को ये दो डेट दिया गया है कुमाऊं मंडल में। कुमाऊं मंडल के जो अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर 11 तारीख को दिया गया है, गढ़वाल मंडल के लिए 12 तारीख को दिया गया है, जो कि हरिद्वार में आपका रहेगा 11 तारीख का और 12 तारीख का आपका रायपुर देहरादून में रहने वाला है। तो ये आपके अवगत कराए गए हैं। जिनका भी फिजिकल होना है, जिनका छूट चुका है, वो उनको फिर से मौका मिला है।